सो हेलो दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कोचिंग बिजनेस की। इस चैनल का नाम फिजीफिन है, मेरा नाम धनंजय है। मैं इस इंडस्ट्री में 20 साल से भी ज़्यादा काम कर चुका हूँ और इस इंडस्ट्री का A to Z सब मेरे सामने से होके गुजरा है। सो आई कैन गिव यू डीप इंसाइट अबाउट इट। लगे रहिएगा, वो सारे लोग जो इस बिजनेस में उतरना चाह रहे हैं, एडटेक से रिलेटेड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रेडिशनल एजुकेशन बिजनेस हो गया, स्कूल हो गया, या स्कूल इंटीग्रेशन हो गया विद द बिजनेस, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, क्या क्या प्लस हैं, क्या क्या माइनस हैं, प्रॉस एंड कॉन्स, सारी बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। और नए यानी यंग एंटरप्रेनर को मैं कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो इस वीडियो को अगर आप एजुकेशनल बिजनेस में अभी इंटरेस्टेड हैं या आगे आने वाले टाइम में आप आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, पहले कोचिंग और ट्यूशन वो पढ़ाते थे जनरली जिनको जॉब नहीं मिलता था। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई और जॉब नहीं मिला, पढ़ाने लगे, प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे थे, IAS बनने की, UPSC की, स्टेट PCS की, सिलेक्शन हुआ नहीं, अपॉर्चुनिटी चली गई, फिर पढ़ाने लगे। कंपटीशन के टाइम में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया या हायर क्लासेस में जूनियर क्लासेस को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, और उसके बाद पसंद आने लगा, पैसा मिलने लगा, पैसा कुछ ज़्यादा मिलने लगा, तो इसी फील्ड में हो गए। तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ करता था ये। मैं बात कर रहा हूँ लेट 90s की या अर्ली 90s की, उस दौरान लगभग यही ट्रेडिशन था। फिर उसके बाद थोड़ा रेवोल्यूशन हुआ, आकाश इंस्टीट्यूट आया जिसके ओनर मिस्टर JC चौधरी एक विजनरी लीडर, उसके बाद फिटजी एक इंस्टीट्यूट आया जिसके ओनर मिस्टर DK गोयल एक विजनरी लीडर, और फिर कोटा मशरूम्ड हुआ। उस टाइम कोटा में बंसल क्लासेस, द रीजन बिहाइंड दिस कोटा कल्चर या कोटा, आजकल कोटा फैक्ट्री जो है वो मिस्टर बंसल, VK बंसल साहब की बदौलत हुआ था। तो यहाँ से थोड़ा स्ट्रक्चर होने लगा, फिर भी काफ़ी अनऑर्गेनाइज रहा। जॉब की कोई गारंटी नहीं है कि ओवरनाइट आप फायर हो सकते हो, दोनों तरफ से, एम्प्लायर की तरफ से भी, एम्प्लाई की तरफ से भी, कभी कोई भी भाग जाता था। तो एक तरह से ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो था ही, बड़ा अनसर्टेन सेक्टर भी था। मतलब बैंक इस एम्प्लाई को लोन नहीं देते थे, कोई इनके एम्प्लाई को मकान नहीं देता था किराए पे, तो इस तरह से एक रिकग्निशन नहीं था। धीरे धीरे ये सेक्टर आगे बढ़ता गया, आकाश उसमें बड़ा एक रोल प्ले किया इसको ऑर्गेनाइज करने में, एक कॉरपोरेट कल्चर डेवलप हुआ LN में, वही साथ 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 कुछ कॉरपोरेट कल्चर डेवलप हुआ फिटजी में भी हुआ, और इसमें फिर टैलेंट आने लगे, बाई चॉइस आने लगे। पहले भी चॉइस था बट वो 5-10% होते थे, लेकिन अब काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, कुछ IITN, कुछ अदर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर और वो लोग भी धीरे धीरे इसमें आने लगे। कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा देखा गया कुछ सिविल सर्वेंट अपना पोस्ट रिजाइन करके इसमें आए। फिर ये ऑर्गेनाइज होता गया, फिर उसके बाद आया कोविड का टाइम, और उससे कुछ पहले और कोविड के टाइम में बूम पे ये एडटेक नया टर्म आया, EDTECH, एडटेक, यानी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ कोलैब कर दिया। जब एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ कोलैब कर गया तो इसका होराइजन बहुत बढ़ गया। वो दूर दराज के लोग जो गाँव में बैठे रहते थे, वो दूर दराज के लोग जिनके पास एक्सेस नहीं था, इंटरनेट आसान होने से उन तक पहुँच गए। टेक्नोलॉजी ने इतना लेवरेज किया, इस चीज़ों को इतना आसान बनाया कि एक वॉल्यूम जो पहले कुछ 2-4 लाख 10 लाख का होता था वो करोड़ों में पहुंच गया, और बायजूस एक 22 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी बन गई। फिर उसके बाद अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया, आकाश का टेकओवर हुआ जो सबसे बड़ा टेकओवर उस टाइम का था 1 बिलियन के आसपास, जिसे हम यूनिकॉर्न कह सकते हैं। उसके बाद फिर LN का टेकओवर हुआ, उसके बाद एक नया टीचर फिजिक्स वाला डेवलप हुआ और उनकी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत तगड़ा हुआ, और फिर धीरे धीरे ये एक तरह से बहुत बड़ा बबल बनता गया। लोगों ने कहा ये बबल बस्ट होगा क्योंकि कुछ चीज़ों की जो कोर वैल्यू है उससे कंप्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते, और वो कोर वैल्यू था एजुकेशन। एजुकेशन को एजुकेशन रहने दिया जाता तो सही था, लेकिन धीरे धीरे वो जो कोर वैल्यू है वो एक तरह से टूटता गया और स्टूडेंट कस्टमर में कन्वर्ट हो गए। स्टूडेंट को कस्टमर माना जाने लगा, पेरेंट्स को कस्टमर माना जाने लगा, और स्टूडेंट को पढ़ाने को कस्टमर सर्विस माना जाने लगा। हालांकि इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ था, गवर्नमेंट ने पहले सर्विस टैक्स लगाया, उसके बाद GST कर दिया उसका नाम बदल के। तो ये गवर्नमेंट ने भी इसको सर्विस सेक्टर नाम दिया क्योंकि उसे बहुत सारा करोड़ों का इससे GST मिलता है। तो ये जो, लेकिन फिर भी कोर शुड रिमेन कोर, वो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन ही होना चाहिए, जो काफ़ी हद तक आपका डाइल्यूटेड है। रिस्पॉन्सिबल दोनों लोग हैं लेकिन फिर भी डाइल्यूटेड है, रिजल्ट ये है। अगर आप इस बिजनेस में उतरना चाह रहे हैं तो पहले तो आप देख लीजिए बायजूस, जो अभी डाउनफॉल होकर 22 बिलियन से
अब 1 बिलियन या शायद विदाउट एनी वैल्यूएशन हो चुकी है। हालांकि मैं बड़ा बुली हूँ उस केस में बायजूस के लिए, कि मुझे लगता है द पर्सन मिस्टर बायजू रविंद्रन वो बाउंस बैक करेंगे करेंगे। एक बैड फेज था, और हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो तो आपके पास टाइम नहीं लगता है अपने आप को स्टैगनेट करने के लिए, अपने आप को एक स्टेबल करने के लिए। तो सेचुरेशन उनको लगता है कि आगे आएगा आगे आएगा, लेकिन इस प्रोसेस में उनको काफ़ी नुकसान हुआ। सेम विद अदर एडटेक कंपनीज, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मैं बता दूँ, जैसे कुछ कुछ कंपनीज मोनोपोली होती हैं, कुछ कुछ ओलिगोपोली कह सकते हो मार्केट, ऐसी मार्केट जहाँ पे बहुत ही सेलेक्टेड लोग ही रह सकते हैं। तो फ्यूचर में और बड़े लेवल पे ये जो कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेलेक्टेड ही रहने वाला है, बहुत ही सेलेक्टेड लोगों के बीच में ही रहने वाला है। जैसे आप बात कर लो तो टेलीकॉम में कितने प्लेयर हैं, एयरटेल है और उसके बाद जियो है, बाकी सारे प्लेयर या तो कम हो गए या ख़त्म हो गए या ख़त्म होने के रास्ते में एक्वायर्ड हो गए। सिमिलरली वही ऑयल में IOC हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, जियो हो गया, लेकिन बहुत सारे प्लेयर नहीं हैं। वैसे अगर आज देखा जाए तो कोचिंग इंडस्ट्री में कुछ प्लेयर्स अभी हैं, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट है, एलएन है, फिजिक्स वाला हो गया, अभी नया नया उसने लॉन्च किया अपना, एक दो दो साल हो गए इसमें, ऑफलाइन वर्टिकल में अनअकैडमी ने ऑफलाइन वर्टिकल में लॉन्च किया, मोशन हो गया, नारायणा हो गया, श्री चैतन्य हो गया। तो कुल मिला के 7-8-10 ब्रांड नेशनल वाइड अभी भी चल रहे हैं। मेरा मानना है कि अभी इनमें भी कंसोलिडेशन आएगा। उसके बाद एडटेक में कुछ वर्टिकल्स हैं, बाकी सारा लोकल लेवल पे है, कुछ छोटे मोटे रीजन में है, कुछ बिल्कुल सिटी ओरिएंटेड है, और कुछ लोग गली कूचों में हैं। तो जो गली कूचों में हैं और जिनका बेस एक सिस्टम नहीं है, एक इंडिविजुअली बंदा ट्यूशन पढ़ा रहा है, 10 बच्चे आ रहे हैं, 20 बच्चे आ रहे हैं, सुबह स्कूल में जा रहा है, शाम को बच्चों को बुला रहा है या अर्ली मॉर्निंग बच्चों को बुला रहा है, तो ऐसा सिस्टम तो चलने वाला है। लेकिन अगर आप शहर में कहीं पे कोचिंग चला रहे हो और उसमें 20-40 लाख 50 लाख पर मंथ का आपका एक्सपेंडिचर है, और यू हैव डेटाबेस ऑफ 30-40 टीचर्स जो आपके साथ लगे हुए हैं और उनके साथ स्टाफ है, तो ऐसे लोगों को मुश्किल आने वाली है। मुश्किल कैसे आने वाली है, आप टेक्नोलॉजी में बिल्कुल मैच कर ही नहीं सकते। टेक्नोलॉजी कॉस्ट इज़ वेरी वेरी हाई। कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो करोड़ों रुपया लगता है। हालांकि आजकल वो प्रोडक्ट आपको बहुत सस्ते में रेंटल मिल जाता है, सर्विसेज उसकी, लेकिन फिर भी आपको उसको रन करने के लिए मैन पावर चाहिए होता है। अब ये बड़ी कंपनियां वो प्रोडक्ट अफोर्ड इसलिए कर पाती हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है, आपके पास वॉल्यूम कम है। अब आप देखिए इंटरनेट पे कोई भी चीज़ आप डालिए किसी भी वेबसाइट पे जाके, तो विद इन सेकेंड आपको बड़ी कंपनियों से फ़ोन आ जाएगा। इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ, कोचिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन वही चीज़ आप छोटी जगहों पर उसको एड्रेस नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप फेल हो रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी वाइज आपको पूरा खींच एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन, आप नहीं कर पाओगे। आपके सारे बच्चों को वो जो टॉप परफॉर्मर है अपने पास खींच लेंगे, उनके पास पूरी टीम है। एक ऐसी टीम होती है जो सिर्फ टैलेंट हंट करती है, उसकी सैलरी, उसका पूरा खर्चा और बच्चों के लाने ले जाने का खर्चा कंपनी देती है, और सिर्फ एक्सपेक्ट करती है कि शहर शहर से जाकर टैलेंट ढूंढ के लाओ। अब सारे टैलेंटेड बच्चे इनके पास चले जाएंगे, तो आपको पता ही हर पेरेंट टैलेंट को फॉलो करता है। तो इस फील्ड में अगर आपको इन जियांट से लड़ना होगा जो बहुत बड़े हो चुके हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स फैक्टर चाहिए, एक्स्ट्रा फैक्टर चाहिए। हालांकि मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि लोकल इंस्टीट्यूट रीजनल इंस्टीट्यूट ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ कम हो जाएंगे और लगभग ख़त्म के कगार पे ही होंगे आने वाले कुछ टाइम पे। चैलेंजेस क्या हैं, मैं चैलेंजेस बता देता हूँ। पहला चैलेंज है कि इनके पास टेक्नोलॉजी की भारी कमी है और उस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर अफोर्ड कर भी रहे हैं किसी तरह से तो उसको बहुत बढ़िया से ऑपरेट नहीं कर सकते। सेकेंड चैलेंज होगा कि आप टॉपर्स आपके पास आएंगे नहीं, टॉपर्स आएंगे नहीं तो रिजल्ट होगा नहीं, रिजल्ट अच्छा होगा नहीं तो आपके पास नया बच्चा आएगा नहीं, एक विशेष सर्कल में आप फंसते जाएंगे। चौथा पॉइंट, आप बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा नहीं सकते तो अपने एम्प्लाई को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते। अगर सैलरी नहीं देंगे तो अच्छा बंदा आपके पास आएगा नहीं, अच्छी टीम नहीं आएगी, परफॉर्मेंस नहीं होगा। उसके बाद आपकी टेस्टिंग, आपके पास टेस्टिमोनी नहीं है, आपके पास टेस्टिमोनी है ही नहीं क्योंकि बच्चा आप बहुत अच्छा निकाल नहीं रहे। टेस्टिंग आप बहुत अच्छा बना नहीं सकते क्योंकि आपके पास लेस रिसोर्सेज हैं, कहीं से खरीद के लाओगे तो वो कितना खरीद सकते हो, आप लाइब्रेरी नहीं दे सकते, आप कंप्यूटर जो CBT टेस्ट होता है उससे रिलेटेड फीलिंग नहीं दे सकते बहुत अच्छी तरह से। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं। तो नया एंटरप्रेन्योर जो भी इसमें एंटर करना चाहता है,
अब उतनी ल्यूक्रेटिव नहीं रह गया ये जॉब। मेरे टाइम में जब मैं इंटर किया तो मुझे इंडस्ट्री में 12,000 सैलरी मिल रही थी 2002 में, और कोचिंग में सीधे सीधे मुझे मिली 25,000। तो इतना जंप हुआ करता था उस टाइम। अभी क्या हुआ, जब से इन्वेस्टर्स आ गए कंपनीज में, कैपिंग लग गई है, बड़ी सैलरी पे हायरिंग नहीं हो रही है। पहले आप लोग सुनते होंगे 1 करोड़ पैकेज, 1.5 करोड़ पैकेज टीचर की कोटा में आम बात होती थी, मतलब हर कोचिंग में 8-10-20-25 टीचर ऐसे होते थे। अब हार्डली 2-4 टीचर भी शायद नहीं रह गए। तो अब वो ल्यूक्रेटिव जॉब भी नहीं रहा है, अनसर्टेनिटी अभी है। मैंने सुना था कि एक कोटा की बहुत बड़ी कोचिंग से एक दूसरी एडटेक जो ऑफलाइन में उतरा था, कुछ टीचर्स को तोड़ा करोड़ों में और 2-2 साल की एडवांस सैलरी दे दी। बाद में पता चला उन्होंने सैलरी वापस ले ली और कोर्ट केस कर दिया, उन टीचर्स को निकाल दिया। तो इस तरह से मिसट्रस्ट है, अभी भी काफ़ी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है, हालांकि इसमें दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस सेक्टर में जितने भी यंगस्टर को आना है वो आए, बहुत सोच समझ के आए, बहुत प्लान करके आए, क्योंकि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी की और कोई कमी नहीं है। वहाँ भी आप जा सकते हो और वहाँ पे भी आप अपना अच्छा कर सकते हो। इस इंडस्ट्री के बारे में इनसाइट क्या है, इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है, क्या क्या नए वर्टिकल्स बन सकते हैं विद इन एग्जिस्टिंग वर्टिकल, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।